The president of the ruling party could not hold on to his own home state. Who's the Pappu now? In your lingo, I say to you, and this is not unparliamentary, don't take panga. Listen to our voices and not react like the proverbial khisyani billi. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 दिसंबर को लोकसभा में 2022 से 23 के लिए 3,26,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अनुदान की मांग की। 13 दिसंबर को इसी मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ और यह हंगामा हुआ टीएमसी सांसद के बयान के बाद। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अपने साथ डेटा लेकर पहुंची और जब बोलना शुरू किया तो पहली ही लाइन में कह दिया, पंगा मत लेना। In your lingo, I say to you, and this is not unparliamentary, don't take panga. अपने भाषण में सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर हमला बोलते हुए पप्पू और खिसियानी बिल्ली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। Listen to our voices and not react like the proverbial खिसियानी बिल्ली। महुआ मोइत्रा ने कहा कि सरकार और सत्ताधारी पार्टी ने पप्पू शब्द गढ़ा है, जिसका इस्तेमाल अत्यधिक अक्षमता को दर्शाने के लिए, बदनाम करने के लिए किया जाता है। डेटा और आंकड़े हमें बताते हैं कि वास्तव में पप्पू कौन है। इतना ही नहीं, महुआ ने कहा कि किसी एक साल की तुलना में इस साल ज्यादा लोगों ने भारतीय नागरिकता दी है। क्या ये एक स्वस्थ आर्थिक वातावरण का संकेत है? अब पप्पू कौन है, जरा सुनिए। अंग्रेजी में ही सही, लेकिन महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में क्या कहा। The president of the ruling party could not hold on to his own home state. Who's the Pappu now? दरअसल मोइत्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी करोड़ों में विधायक खरीदती है, इसके बावजूद विपक्ष के 95% सदस्य ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सजा दिलाने का प्रतिशत केवल 0.5% है। मोइत्रा ने अपने भाषण में बार बार यही वाक्य दोहराया कि अब पप्पू कौन है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।